अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। इस टाइम मैं हूँ एक्स्ट्रा स्टोर के अंदर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे लैपटॉप्स जो कि आपको मिल रहे हैं बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे, यानी 1500 रियाल के अंदर अंदर में। जो है आज के ब्लॉग में मैं लैपटॉप दिखाने वाला हूँ आपको, वो भी फुल टच स्क्रीन के साथ। तो आइए फिर देख लेते हैं और कवर कर लेते हैं कि वो लैपटॉप कौन से हैं जो कि आपको मिल रहे हैं 1500 रियाल में और वो भी फुल टच। आइए फिर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ लेनोवो का लैपटॉप। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डिमेंशन। यहाँ पर इंटेल इनसाइट की बेजिंग है, यहाँ पर जो है यूएसबी के पोर्ट, चार्जिंग के पोर्ट दिए गए हैं एंड देन इधर कोई भी पोर्ट दिया हुआ नहीं है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यानी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लेनोवो आइडियापैड 1 है ये, इंटेल सेलेरॉन N4020। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दूं, मैं रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी रहेगी 4GB एंड स्टोरेज कैपेसिटी है 128GB SSD। डिस्प्ले इसकी मिलेगी 14 इंच के साथ फुल HD AG 250 nm। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो इसकी ग्राफिक प्रोसेसर रहेगी इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक 600। कलर की बात करें तो यहाँ पर कलर रहेगा इसका ग्रे। अगर वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी रहेगी 2 ईयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करेगा विंडो 10 को। अगर प्राइस की बात कर लें तो एक्स्ट्रा स्टोर में इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 1499 रियाल, यानी 1499 सऊदी रियाल। अगर किसी को इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना हो तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी 72 रियाल पर मंथ, यानी 72 सऊदी रियाल। और ये इंस्टॉलमेंट आपको 72 रियाल की देनी होगी 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 72 रियाल जो है जमा करने होंगे। अब यहाँ पर आपका एक ख्याल होगा कि ये कोर कौन सा है, तो वो कोर भी आपको मैं दिखा दूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेजिंग तो दिखा दी थी आपको इंटेल इनसाइट की, तो यहाँ पर जाते हैं हम सर्च बार में, क्लिक करते हैं राइट और यहाँ पर गए टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर पर जाने के बाद परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है मैक्सिमाइज करके यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आई रही होगी कोर 2 है सॉकेट 1 के साथ। तो गाइज अभी आपको लेनोवो का एक लैपटॉप और मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी डिमेंशन देख लें और इसका लुक देख लें। यहाँ पर रहेगा इसका चार्जिंग का पोर्ट और इधर दिए गए हैं 2 USB के पोर्ट, 1 HDMI का पोर्ट और 1 पोर्ट और है। और देख लेते हैं इसका इधर, यहाँ पर जो है ईयरफोन का पोर्ट है और उधर जो है SSD कार्ड रीडर का जो है पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर लेनोवो का लोगो दिया गया है और यहाँ पर जो है पैड के बराबर में काफ़ी सारी बेजिंग दी गई है। और ये है AMD Ryzen 3 की बेजिंग और इधर है AMD Radeon की बेजिंग जो कि ग्राफिक डिजाइनर है। और यहाँ पर भी दिया गया है काफ़ी सारी बेजिंग, जैसे कि सबसे पहले आइडियापैड 3 की बेजिंग है, प्राइवेसी शटर और बैंपकैम का ऑप्शन है, डिजिटल डॉल्बी ऑडियो सिस्टम है, स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो ये है लेनोवो का आइडियापैड 3 AMD Ryzen 3 के साथ 3250U है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो 4GB DDR4 इसकी मेमोरी है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो 128GB SSD है इस वाले लैपटॉप की। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले आपको मिलेगी 14 इंच के साथ फुल HD। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो AMD Radeon ग्राफिक्स है जो कि मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था, जैसे कि ये वाला लोगो। एंड देन अगर कलर की बात करें तो इसमें बिजनेस ब्लैक कलर मिल जाएगा। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें 2 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करेगा विंडो 10S को। अगर इस वाले लैपटॉप की प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस रहेगा एक्स्ट्रा स्टोर में 1599 रियाल, यानी 1599 रियाल। अगर आप इस लेनोवो आइडियापैड 3 को इंस्टॉलमेंट पर लेना सोच रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी पर मंथ 77 रियाल, यानी 72 रियाल की ये इंस्टॉलमेंट देनी होगी आपको 36 महीने तक, 3 साल तक जो है आपको 77 रियाल की जो है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज अभी आपको मैं एक लैपटॉप और दिखाने वाला हूँ, ये भी लेनोवो का है। तो सबसे पहले इसकी डिमेंशन देख लें। यहाँ पर है एक चार्जिंग पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट और एक है USB का पोर्ट, इधर है ईयरफोन का पोर्ट, इधर एक USB का पोर्ट दिया गया है, SSD रीडर कार्ड का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर कुछ बेजिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इंटेल इनसाइट की बेजिंग है और ये यहाँ पर भी कुछ बेजिंग दी गई है। काफ़ी सारे मार्क हैं जैसे कि आइडियापैड फ्लेक्स 3 है, प्राइवेसी शटर ऑन वेबकैम और 360 वर्सेटिलिटी है इसकी, फाइनलेस डिज़ाइन है और ई सपोर्ट के लिए यहाँ पर लोगो दिया गया है।
तो अभी इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो ये है लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 3 कन्वर्टिबल के साथ सेलेरॉन N4020। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी रहेगी 4GB DDR4 के साथ। अगर स्टोरेज की बात करें तो इस वाले लैपटॉप की स्टोरेज रहेगी 128GB SSD। अगर इस वाले लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 3 की डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले रहेगी 11.6 इंचेस के साथ टच स्क्रीन फुल HD और यह है फुल टच स्क्रीन, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर जो है बैक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके जो है टास्क मैनेजर पर जाएंगे, परफॉर्मेंस पर जाएंगे, इसको जो है मैक्सिमाइज करेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे। और ये है कोर 2 के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बेजिंग दिखाई है इंटेल इनसाइट की, तो इसको जो है काट देते हैं क्योंकि ये है फुल टच। इसको बैक करते हैं। डिस्प्ले साइज तो आपको बता ही दिया, 11.6 इंच टच स्क्रीन के साथ फुल HD है ये। अगर ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक 600 सपोर्ट करेगा। अगर इस वाले लैपटॉप की कलर की बात करें तो ये कलर है प्लैटिनम ग्रे। वारंटी इस पर आपको मिलेगी 2 ईयर्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडो 10S सपोर्ट करेगा। अगर प्राइस की बात करें तो इस लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 3 का प्राइस रहेगा एक्स्ट्रा स्टोर में 1699 रियाल, यानी 1699 रियाल। अगर आप में से इसको कोई इंस्टॉलमेंट पर लेने की सोच रहा तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी 82 सऊदी रियाल पर मंथ, यानी 82 रियाल जो है आपको पर मंथ देने होंगे, और ये देने होंगे आपको 36 मंथ तक, यानी 36 मंथ तक जो आपको 82 रियाल की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं एक लैपटॉप और दिखाने वाला हूँ, लेनोवो का। सेम क्वालिटी है, सेम मॉडल है, सारा कुछ सेम सिस्टम है, बस फर्क है तो टच स्क्रीन का है, मतलब कि सेम प्राइस में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। अब देख लेते हैं कि वो लैपटॉप कौन सा है कौन सा नहीं सेम वाले प्राइस में। तो गाइज ये वाला लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ, ये भी लेनोवो का है, ये है इंटेल कोर i3 का, जो कि अभी मैंने दिखाया था टच स्क्रीन के साथ, वो था कोर i2। तो अभी इसकी डिमेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी इंटेल कोर i3 की बेजिंग है, इधर भी काफ़ी सारी बेजिंग है, जैसे कि आइडियापैड 3 है, प्राइवेसी सेटर ऑन वेब कैम के साथ, डिजिटल डॉल्बी ऑडियो सिस्टम मिलेगा इसमें स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ, 2 USB के पोर्ट मिलेंगे इधर आपको, एक मिलेगा HDMI का पोर्ट, एक मिलेगा चार्जिंग का पोर्ट। इधर बात करें तो एक SSD कार्ड रीडर का पोर्ट मिलेगा और एक मिलेगा एयरफोन का पोर्ट आपको, और इसका कीपैड कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। तब इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो ये है लेनोवो आइडियापैड 3 इंटेल कोर i3। अगर इस वाले लैपटॉप की रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो 4GB DDR4 सपोर्ट करेगा ये। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 1TB SSD मिलेगी इसमें आपको। अगर इस वाले लैपटॉप की डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले मिलेगी आपको 14 इंच फुल HD के साथ। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ग्राफिक प्रोसेसर आपको मिलेगा इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स। अगर इस वाले लैपटॉप की कलर की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये कलर है अवेस ब्लू। अगर इस वाले लैपटॉप की वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी रहेगी 2 ईयर्स की। अगर इस वाले लेनोवो आइडियापैड 3 लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रहेगा एक्स्ट्रा स्टोर में 1699 रियाल, यानी 1699 रियाल। लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पर लेना सोच रहे हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी 82 रियाल पर मंथ, और ये 82 रियाल पर मंथ देने होंगे आपको 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 82 रियाल की जो है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अगर इस लेनोवो आइडियापैड 3 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडो 10 सपोर्ट करेगा, बाकी जो मैंने दिखाए हैं वो विंडो 10S सपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 3 कन्वर्टिबल। अब इसको कन्वर्टिबल को देख लेते हैं कि कन्वर्टिबल का मतलब होता क्या है, देख लेते हैं क्या काम करता है ये। तो जैसे देख रहे हैं आप ये 360 डिग्री पर जो है ये आ गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको जो है कर दें सेम पोजीशन में जैसे कि जिस पोजीशन में था ये। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक लैपटॉप और दिखाने वाला हूँ HP का। इस वाले लैपटॉप का फुल नेम है HP फैमिली 15 DW1003 NX सेलेरॉन N4120। तो इसकी डिमेंशन देखते हैं सबसे पहले कि क्या डिमेंशन है इसकी, कितने पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पर और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा एक HDMI का पोर्ट है, एक USB का पोर्ट है, एंड देन इधर जो है एक ईयरफोन का पोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, और इधर जो है एक USB का पोर्ट इधर दिया गया है, और दिया गया है इधर एक चार्जिंग का पोर्ट, और यहाँ पर जो है एक इंटेल इनसाइट की बेजिंग दी गई है जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी इसका जो है अबाउट लैपटॉप देख लेते हैं, मतलब कि इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इस वाले लैपटॉप की, तो इसकी एक्सेस मेमोरी रहेगी 4GB DDR4। अगर इस HP के लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये 128GB SSD सपोर्ट करेगा। अगर लैपटॉप की डिस्प्ले की बात करें तो इसकी यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगी
15.6 इंचेस के साथ फुल HD IPS 60 GHz के। अगर ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक 600 ये सपोर्ट करेगा। अगर इस वाले लैपटॉप के कलर की बात करें तो ये कलर है नेचुरल सिल्वर। वारंटी की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टोर पर वारंटी मिल जाएगी 2 ईयर्स की, 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। अगर इस वाले HP के लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडो 11 सपोर्ट करेगा। मैंने उधर जो दिखा है लेनोवो के, वो आई थिंक विंडो 10 सपोर्ट करेंगे S के साथ। अगर इस वाले लैपटॉप के प्राइस की बात कर लें तो एक्स्ट्रा स्टोर में इसका प्राइस रहेगा 1599 रियाल, यानी 1599 रियाल। अगर आप में से इसको कोई इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहा तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी 77 सऊदी रियाल पर मंथ, यानी 77 रियाल आपको देने पड़ेंगे 3 साल तक, मतलब 36 मंथ तक जो है आपको 77 रियाल जो है देने पड़ेंगे। तो गाइज आपको यहाँ पर मैं एक लैपटॉप और दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है डेल। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे डेल को। तो ये है डेल इंस्पायरेशन 15 जनरेशन के साथ। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डिमेंशन। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको डेल का लोगो दिख रहा है, ये 15.6 इंच की HD डिस्प्ले की यहाँ पर बेजिंग दिख रही है, वेबकैम HD है एंड 3-sided नैरो बॉर्डर्स है। ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर जो है माई डेल सपोर्ट सेंटर भी मिलेगा इसमें आपको। स्पिल रेसिस्टेंट कीबोर्ड है इसका जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये है आई थिंक मेरे लैपटॉप में भी। और डेल मोबाइल कनेक्ट है इसमें। सिस्टम ये है कि आप इससे जो है मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जो आप मोबाइल पर चला रहे हैं वो इस वाले डेल के लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये बेजिंग डेल मोबाइल कनेक्ट, इंटेल इनसाइड की यहाँ पर बेजिंग दी गई है। तो जैसे यहाँ पर एक HDMI का पोर्ट मिलेगा आपको, 2 USB के पोर्ट मिल जाएंगे इधर आपको, एंड देन यहाँ पर एक USB का पोर्ट मिलेगा आपको, और एक मिलेगा SSD कार्ड रीडर का पोर्ट, एंड देन एक मिलेगा एयरफोन का पोर्ट, एंड देन यहाँ पर है बैक कैमरा जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इंटेल सेलेरॉन इनसाइड डेल इंस्पायरेशन 15 सेलेरॉन एंड 4020। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इस लैपटॉप की ये मिलेगी आपको 4GB DDR4 के साथ। अगर इस डेल के लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी 128GB SSD। अगर इस वाले लैपटॉप के डेल की स्क्रीन की बात करें तो ये स्क्रीन आपको मिल जाएगी 15.6 इंचेस HD के साथ, एंड देन 60 GHz सपोर्ट करेगी। अगर ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो ये इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक 600 सपोर्ट करेगा। वारंटी की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोर में आपको इस डेल के लैपटॉप की 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस वाले लैपटॉप की ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है विंडो 11 सपोर्ट करेगा ये, एंड देन मॉडल आपको नीचे दिख रहा होगा। अगर इस डेल के इंस्पायरेशन 15 के प्राइस की बात करें तो एक्स्ट्रा स्टोर में इसका प्राइस रहेगा 1549 रियाल, यानी 1549 सऊदी रियाल। अगर आप में से कोई इसको इंस्टॉलमेंट पर लेना सोच रहा तो इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी 75 रियाल पर मंथ, यानी 75 रियाल जो है आपको देने पड़ेंगे 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो है आपको 75 रियाल की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो गाइज ये थे सारे लैपटॉप्स जो कि आपको मिल रहे थे 1500 रियाल और 1600 रियाल के अंदर में। इंशाल्लाह तो आज के इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह नस्सलाम।